अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं खोए वाला हलवा और ये बहुत ही मज़ेदार बना है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना अगर आपको पसंद आए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा किलो सूजी, डेढ़ पाव चीनी, वन कप ऑयल, 200 ग्राम खोया। अगर आपको खोए की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा खोपरा और 4 अदद इलायची, एक चुटकी येलो कलर, केवड़ा एसेंस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगचे में सूजी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 किलो पानी में चीनी घोल देंगे। यहाँ पे सूजी लाइट ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद सूजी को 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। हम देख सकते हैं हमारी सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे इलायची। अब हमने जिस पानी में चीनी मिक्स की थी वो इसमें डाल दें और अच्छी तरह से चम्मच चलाएं। यहाँ पे डाल दें थोड़ा सा फूड कलर और फूड कलर को मिक्स कर लें। यहाँ पे हलवा जो है वो थिक हो रहा है और अब हम इसमें डालेंगे खोपरा, साथ ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश और इसे आप मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, इसको अच्छी तरह से हिला देना है ताकि इसमें गुटलियां ना बने। जहाँ पे हम डालेंगे खोया और इससे भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। गार्निश करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा खोया डालेंगे। थोड़ा सा कोपरा गार्निश करेंगे। यहाँ पे हम किशमिश भी गार्निश कर देंगे और हलवा बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बयान कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।